साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम शिवाज में। और भाइयों, आज मौसम ने जो है पूरा मिजाज बदल गया। रात से हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बारिश हो रही। मैं घेर में हूँ, देखो छतरी लेकर सोचा कि एक वीडियो शूट कर लीजा। तो भाइयों, खेत देखो जुता हुआ पड़ा था, पड़ेवा करने थी। काफ़ी बारिश है हमारे यहाँ। ये देखो गुल्लों में किस तरीके से पानी भर रहा है। तो भाइयों, हमने कल वीडियो डाली थी अपनी, खेत की खुदाई हमने फाइनल करके कोरोजन करके पानी दे दिया था। बाकी के जो हमारे दो खेत थे उनमें पानी देना था। नदी में पड़ता है, गोरे में सूखे पड़े थे बिल्कुल, उनकी खुदाई नहीं हो पाती, तो उनकी सिंचाई करनी थी। तो हमारे लिए तो बड़ी फायदे की रही है बारिश। कल हमारा दौड़ा मिल भी बंद हो गया, तो आज किसानों के लिए बढ़िया कर दिया कि आराम करो अपना करने उन्हें डाल के। लेकिन भाइयों, जैसा खतौली का शुगर मिल चल रहा है अभी, वहाँ पर किसानों के लिए बड़ी समस्या होगी। बहुत बहुत गन्ने रह रहे किसानों के पास में और बारिश पड़ गई, बड़ा फजीता होगा उनका भी। तो भाइयों, खेत तक तो मैं गया नहीं, यहाँ तो गोरे में खड़ा हूँ। ताऊजेर का खेत है यहाँ पर, चक है पूरा, लेकिन बारिश का पता चल रहा है यहीं से। मैंने आपको दिखाया सीधे, देख लो गुल्लों में अच्छा पानी भर रहा है। तो इस बारिश का तो भाइयों मेरे हिसाब से नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि जो बारिश लाड वगैरह निकले हमारे, धूल मिट्टी का काम हो, गर्दे का काम हो, तो एक बारिश तो उससे बाद मतलब हर साल ही हो जाए लगभग मील बंद होने पर। तो गन्ने के पौधे के पत्ते वगैरह सब कुछ धो जाएंगे बिल्कुल, और बढ़िया मौसम हो जाएगा साफ। तो ये बारिश जो है बहुत ही बढ़िया काम करेगी और गन्ने की फसल भी एकदम चलेगी बन के। लेकिन कुछ किसानों का देखो नुकसान है, जैसा कि ये खेत बोया था इन्होंने, हमारी तो गन्ना जो है जम भी आया, गमों के बाद की बुआई भी सारी जम गई कंप्लीट। लेकिन इसमें देखो ये बुआई हुई है लेट और सिंचाई कर दी थी बोने के बाद में। हमारे यहाँ सिंचाई करते हैं और उसके बाद में देखो यहाँ फिर से पानी भर गया। तो जिनकी गन्ना लेट हुआ है अभी दो चार दिन पहले, पाँच दिन पहले, देखो उसमें समस्या ज़रूर आएगी। या जो खेत बिना खुदाई जुताई के पड़े हैं अभी और उनमें पानी दे दिया था और आजकल में भी खुदाई आ रहे थे, उनमें भी नुकसान होगा। तो देखो बारिश के तो भाई फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी, अपने हाथ का काम नहीं होता। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है क्या करना उन्हें। तो भाइयों, मौसम कर दिया बिल्कुल ठंडा और देखो बारिश में ही खड़ा मैं, छाता लियो। तो सुबह के भाइयों 7:30 के लगभग का टाइम हो रहा है, मैं अपने घेर पे ही हूँ। बाकी आज काम तो कुछ होने का नहीं, अपनी ड्यूटी चलेंगे। और रात से ही हवा बहुत तेज चल रही थी, मुझे लगा लाइट भी नहीं आ पाने की खेत वगैरह की, तो लाइट भी कहीं ना कहीं पेड़ वेड़ टूट गया होगा। तो ये जो मौसम ख़राब होता है इसमें बिजली बड़ी प्रभावित हो जाती है। तो भाइयों सामने देख लो हमारा, इसमें भी प्लास्टर वगैरह करवा के काम कंप्लीट हो गया, पत्थर वगैरह पीओपी बिजली फिटिंग रह रही है। बल्कि हमारा मन है कि अभी ऊपर और बना दिया जाए दूसरी मंजिल पर, तभी सारा काम एक साथ करवावे। तो भाइयों आज वीडियो जो है मैं इसे घेर से खड़े होकर इसको, और ये गोरे में चक जो है हमारे ताऊ जी का है, हमारा सड़क पर पड़ता है आगे, हमारा एक ही खेत है गोरे में बस, और एक पड़ता है प्यारपुर के घाट पर। तो चलो शाम वाम के समय होगा तो मैं आपको सारा अपना दिखाऊंगा, अभी तो बारिश तेज़ हो रही। तो मिलते हैं शाम के समय भाइयों, नमस्कार।